I am Maman Musabur, lecturer in zoology at Government College, University, Hyderabad. Today, I would like to talk about an important category of animal called Lophotrochozoans. It's a broad category and it includes uh, many phyla. So, today we will only discuss the phyla. Nimertie and cyclophora. Lophotrochozoan. Lophotrochozoan refer to two features. One is lopho, four, and other is a trochophore

इस सिलेटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं लोफोफोरस कहते हैं तो लोफोफोर किसी भी बॉडी वाल के हिस्से में किसी फोल्ड में या उनके रिजिश किनारे के ऊपर एक सिलिया का क्राउन है उनको हम लोफोफोर कहते हैं और इनका इनकी जो मेन फंक्शन है फूड गेदर करना और रेस्पायरेशन में हेल्प करना तो ये एक लोफोफोर है

डायग्राम बी में आप देख सकते हैं ये सारी इट्स अ रिंग ऑफ सेल और ये माउथ है ओके okay? तो इस रिंग ऑफ सेल्स को सिलिया को हम क्या कहते हैं प्रोटार कहते हैं तो ये इन प्रोटार की वजह से इस लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं और ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है अक्सर मोलस्कस एन लीड्स स्पिनक्यूलेंस और कुछ और फाइला में होते हैं तो मिस लोफोट्रोफोट्रोकोज में जो है ना तकरीबन आठ से दस फाइला हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फाइला नेमर्टी और साइक्लो दिस इज द डायग्राम ऑफ द द्स ऑफ लोफोट्रोफोजोन्स आप देख सकते हैं This is the phylum Cyclophora or unke ye member example. This is Entoprocta. second is Ectoprota, and then we have Branchopoda, Forenida, Nemerti, Mollusca, Enelida, and Spin. सिपिन क्यूला तो ये सारे फाइला जो है ना हमारे यहाँ ट्रोकोजोआंस में आ जाते हैं और इन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं फाइलम एक्टोप्रोक्टा प्रो, के ऊपर आप टफ ऑफ देख रहे हैं द सेम वे एंड यू आर यू कैन सी द टफ ऑफ सिलिया ऑन द एंट्रोप्रोटा और ये सिलोफोरा में इसे फोरिनिडा में देख रहे हैं और ब्रांक्यो तो ये सारे जो है ना हम नोफोफोर फाइला कहते हैं और ये नि, निमर्टी में वैसा होता है बाकी जो है ना वो ट्रोकोफोर्स आए तो इनको मिला जुला कर हम क्या कहते हैं लोफो ट्रो ट्रोको फाइला कहते हैं डिस्कस द सेकंड फाइला फाइलम साइक्लोफोरा प्रीवियस लेक्चर में याद होगा कि हमने एक फाइलम डिस्कस किया था और उनमें ये आई हैव टोल्ड यू के दैट फाइला वाज डिस्क्राइब इन 1995 तो वो माइक्रोनेथोजोआ और फाइलम साइक्लोफोरा ये दोनों जो है 1995 में डिस्क्राइब किए गए ये रिसेंटली डिस्कवर्ड फाइला आए हैं और ये साइक्लोफोरस जो है ना लोबस्टर आपने देखा होगा एक इन्वर्टिब्रेड है आर्थरोपोर्ट से ताल्लुक उनके क्लास में ये रहता है मीनस उनके माउथ पार्ट्स में जो है ना ये पाया जाता है और ये नार्थ ओशन से इनकी डिस्कवरी हुई है ये एनिमल्स जो है ना बहुत छोटे ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव टू ज़ीरो पॉइंट टेन एम एम होते हैं ये आप जानवर देख सकते हैं ये बिल्कुल इसका नाम सिम्बायोन पेंडोरा कहते हैं तो ये यहाँ माइक्रोस्कोप से तस्वीर लगे बड़ी नज़र आ रहे लेकिन ये बहुत माइक्रोस्कोपिंग छोटे हैं और इनका यही पहला मेंबर है तो मीन्स दे आर अटैच विद द माउथ पार्ट ऑफ लोबिस्टर विथ एडहेसिव डिस्क ये एडहेसिव डिस्क इसमें पाई जाती लुक एट दिस वन और ये दूसरी डिस्क ये भी है इन डिस्क की वजह से ये अपने होश के साथ अटैच होते हैं ये सिंपल एनिमल हैं और इन में जो माउथ होते हैं वो गट में जाता है गट गट इज शेप और इनमें एन एस भी होती है दे आर असिलोमेट्स और एपिडर्मिस जो है बाहर आप बॉडी कवरिंग देख रहे हैं वो सराउंडड बाई द्यूटिकल नाउ वेन लोबस्टर्स मीनस इनका होस्ट जिनके माउथ पार्ट में ये अटैज होते हैं मोल्ट उनमें मोल्टिंग स्टार्ट होती होती है तो ये ये जो टाइनी जो है ना जब वो मोल्ट करता है तो खुद ब खुद इनमें भी सेक् रिप्रोडक्शन होती है और उनसे क्या होता है एक छोटा सा डॉफ मेल जो है ना होता है और उनमें सिर्फ छोटे से मेल में टिश्यू और रिप्रोडक्ट ऑर्गन्स होते हैं और ये क्या करता है किसी फीमेल से मिलता है और उनके अंडे फर्टिलाइज करता है और उनसे एक छोटा सा फ्री लिविंग जो है ना लार्वा पैदा होता है और लार्वा क्या करेगा एक नए लॉबस्टर को ढूंढेगा और वहाँ जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा तो इनमें सेक्सुअल लाइफ ला, ला, साइकिल भी होती है और असेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है और जो ये बेबी पैदा हुआ जिसे हम पेंडोरा लार्वा कहते हैं वो मीनस जैसे मैंने बताया कि इसमें मेल और फीमेल मेल स्पम और फीमेल के अंडे लार्वा पैदा तो ये सेक्सुअल मेथड हो गया असेक्सुअल मेथड में क्या कहते हैं कि इनमें इंटरनल बर्डिंग होती है कि एक फीडिंग एनिमल एक एक नॉर्मल इंडिविजुअल से इंटरनल बर्ड पैदा होता है उस बर्ड से एक बच्चा पैदा हम पेंडोरा पेंडोरा लारवा कहते हैं और ये लारवा ना किसी नए जो है ना अपने होश के साथ और सेक्शल प्रोडक्शन में मिस मेल और फीमेल लार्वा ये दोनों मिलते हैं मेल लार्वा प्रोड्यूस वो सेकेंडरी मेल मेल्स uh, को प्रोड्यूस करेगा उसमें रिप्रोडक्ट ऑर्गन हो गए और उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इसी तरीके से एग्स जब फर्टिलाइज होते हैं तो उसमें दे आर कन्वर्टेड इन द कोराड लार्वा और ये कोरडिड लार्वा जो है ना बिल्कुल जो है ना वो अगेन अपनी लाइफ साइकिल शुरू करेगा एक न्यू लोबिस्टर को जो है ना हो उसको अटैक करेगा और वहाँ जो फीड करने करेगा फिर उसमें यही होगा उसमें इंटरनल बर्डिंग होगी उसमें पेंडोरा लार्वा पैदा होगा तो ये इनकी लाइफ साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। सो इट वाज ऑल अबाउट दाइक्लो फाइलम एक छोटा सा अभी तक इनकी सिंगल जीनस हमें मिली है 1995 में तो Uh, i hope you understand this one this is a lecture quiz based on the lecture uh, uh, my lecture that i have given you i hope that you will send me these uh, uh, timely things these things i got from these two books we are referred these two books the, the, it's a reference thanks for attention और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें सारे लोग सब्सक्राइब करें कि आपको सारे मेरे लेक्चर्स जो है ना आपको आसानी से जो है ना आपको मिल जाए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग